Realme 6 and 6i में एक नया अपडेट आया है, 230 MB के आसपास का अपडेट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है, कुछ नए फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा अपडेट के बाद। लेकिन गाइज बहुत सारे यूज़र्स कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्हें अभी तक ये अपडेट नहीं मिला है, तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग मैन्युअली अपडेट कर सकते हो। तो अब सवाल कि यार मैन्युअली अपडेट कैसे करें, हमने पहले कभी मैन्युअली अपडेट नहीं किया है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैन्युअली अपडेट कैसे करना है। सबसे पहले आपको जो फाइल है ना वो डाउनलोड कैसे करना है वो बता देता हूँ, फ्यूचर में काम आ सकता है। वैसे रियलमी के किसी भी डिवाइस में आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। आप सर्च करना Realme अपडेट, वैसे मैं लिंक वेबसाइट का दे दूंगा, उसके बाद आपको दिख जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट Realme इंडिया। ओके, Realme 6 और Realme 6i दोनों का अपडेट अवेलेबल है वेबसाइट पे, एंड 26.8 का फाइल है। अपडेट लॉग जो है वो दोनों का सेम है, बिल्ड नंबर दोनों का सेम है B45, और वर्जन आप देख सकते हो RMX 2001 दोनों का सेम है। सबसे बड़ा सवाल आपको मैन्युअली अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देखिए अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप अपडेट कर सकते हो, लेकिन 3 GB आपको खर्च करना पड़ेगा और ये जो अपडेट है ना केवल 230 MB का है, तो मेरे हिसाब से कोई भी सेंस नहीं बनता। हम लोग इसलिए अपडेट करते हैं कि हमें वीडियो बनाना पड़ता है टाइम पे, इसीलिए हम मैन्युअली अपडेट करते हैं, वरना आपको कभी भी अपडेट नहीं करना चाहिए मैन्युअली अपडेट। हाँ, अगर आपके पास डेटा का टेंशन नहीं है, अनलिमिटेड वाईफाई प्लान है, तो फिर आप अपडेट कर सकते हो। ये है Realme 6 और ये है 6i, दोनों को मैंने अपडेट कर लिया है, लेकिन अभी मैं आपको मैन्युअली अपडेट करके दिखाता हूँ। तो गाइस Realme 6 के लिए मैंने फाइल डाउनलोड कर लिया है 3 GB का, 3.09 GB का। ओके, एंड डाउनलोड करने के बाद एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, इन केस आपका इंटरनेट स्लो है, किसी कारण से डाउनलोड अगर फेल हो जाता है, डेटा बर्बाद होगा, तो आप एक काम कर सकते हो, आप ये जो वेबसाइट है इसे शेयर करना और प्ले स्टोर से एक ऐप इंस्टॉल कर लेना, एडवांस्ड डाउनलोड मैनेजर ऐप। ओके, ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, और शेयर करते वक्त ADM ब्राउज़र इसे सेलेक्ट करना, फिर ये जो वेबसाइट है ना सॉफ्टवेयर अपडेट Realme, ये एडवांस्ड डाउनलोड मैनेजर जो ऐप है उसमें ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप क्लिक करना, ये क्लिक किया एडवांस्ड डाउनलोड मैनेजर में, ये फाइल जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ये आप देख सकते हो डाउनलोडिंग स्टार्ट। ये जो ऐप है ना इसमें एक तो आपको डाउनलोड स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा, दूसरा डाउनलोड आपका फेल नहीं होगा। अब फाइल हमने डाउनलोड कर लिया है, अपडेट कैसे करना है, तो गाइस आपको जो स्टॉक फाइल मैनेजर मिलता है ना फ़ोन के अंदर, जो आपने थर्ड पार्टी कोई और फाइल मैनेजर अगर डाउनलोड किया है इंस्टॉल किया है तो वो नहीं, जो आपको स्टॉक फाइल मैनेजर मिलता है Realme का, उसे ओपन करना। ओपन करने के बाद डाउनलोड फोल्डर में जाना जहाँ आपने फाइल डाउनलोड किया है, और फाइल पर टैप करना। जैसे ही आप टैप करोगे अपग्रेड नाउ का ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे, उस पर टैप कर देना, अपडेट सिस्टम। गाइज मैं अपडेट कर चुका हूँ अपना डिवाइस, लेकिन फिर से इंस्टॉलिंग हो रहा है, तो इसी तरह आपका भी डिवाइस इंस्टॉल हो जाएगा, यानी ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कंप्लीट होगा और आपका डिवाइस अपडेट हो जाएगा। एंड जो आपके डिवाइस में डेटा है ना, ऐप्स वगैरह या फिर इमेजेस वीडियोस जो भी है वो वाइप नहीं होगा, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। लेकिन फिर भी इन केस कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप ऑलवेज़ कभी भी इस तरह का जब भी स्टेप लेते हो ना तो आप अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेटा है उसका बैकअप ले लेना। अभी मैं आपको दिखा दूंगा अपडेट के बाद मेरा कोई भी डेटा वाइप नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार ऐसा कर चुका हूँ Realme के बहुत सारे स्मार्टफोन्स में। तो ये आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में मिल गया है, सिस्टम अपडेटेड, एंजॉय सक्सेसफुली अपडेटेड टू RMX 2001 एंड B45। ओके, अपडेट मैंने कर लिया, एंड आप देख सकते हो कोई भी ऐप कोई भी डेटा मेरा वाइप नहीं हुआ है। ओके, तो आप चाहो तो मैन्युअली अपडेट कर सकते हो, बस 3 GB आपको खर्च करना पड़ेगा 300 MB की जगह। ओके गाइस, तो बहुत सारे यूजर्स ने बोला था कि एक वीडियो बना दो, तो वीडियो बना दिया। वीडियो अगर किसी भी एंगल से हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और फ्यूचर में ऐसे वीडियोज़ देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।